हे गाइस वेलकम बैक। और मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ पोको F30 GT वर्सेस रियलमी X7 मैक्स का स्पीड टेस्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों भी फ़ोन में आपको सेम प्रोसेसर मेडिटेक डायमेंसिटी 1200 देखने में मिलता है। और यहाँ पे डिफरेंस है बस सॉफ्टवेयर का, बाकी हार्डवेयर तो इन दोनों भी फ़ोन का सेम है। तो सॉफ्टवेयर कितना मायने रखता है यही आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे। MIUI 12.5 आपको पोको F30 GT में देखने में मिलता है, तो रियलमी X7 मैक्स में आपको रियलमी UI वर्जन 2 देखने में मिलता है। और इसमें रैम एक्सपांशन का भी फीचर देखने में मिलता है, जिसमें 3GB रैम एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे स्टोरेज पोको F30 GT में 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज है। रियलमी X7 मैक्स में 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है। तो यहाँ पे अंटूटू बेंचमार्क स्कोर में भी रियलमी X7 मैक्स जीत जाता है, ज़्यादा स्कोर आते हैं। और Geekbench के भी स्कोर ज़्यादा रियलमी X7 मैक्स में ही देखने में मिलते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी कि ये आगे परफॉर्म कैसे करता है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस मुझे पता चला कि रीड राइट स्पीड, राइट का जो स्पीड है वो रियलमी X7 मैक्स में कम आता है एज़ कम्पेयर टू पोको F30 GT, और उसका कितना असर आगे पड़ता है ये तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं रिबूट टेस्ट से और देख लेते हैं सिस्टम के अंदर सबसे पहले कौन सा फ़ोन बूट हो जाता है। वाओ, पोको F30 GT इतना फास्ट बूट हुआ है, मान गए यार, MIUI को मान गए सच में। और उसके लगभग 15 से लेके 20 सेकंड के बाद realme UI मतलब realme X7 max अपने सिस्टम के अंदर बूट हो चुका है। बट यहाँ पे क्लियरली विनर है पोको F30 GT बूटिंग टेस्ट में। और बात करें फिंगरप्रिंट स्पीड, तो पोको F30 GT में फिजिकल फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड आपको देखने मिलता है, तो रियलमी X7 मैक्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिलता है। और बात करें स्पीड की, नो डाउट यहाँ पे पोको F30 GT का फिजिकल फिंगरप्रिंट आपको फास्ट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू रियलमी X7 मैक्स। या गाइस, क्लियरली विनर है पोको F30 GT। उसके बाद दोस्तों दोनों भी फ़ोन में मैंने काइनमास्टर ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, चेक कर लेते हैं काइनमास्टर ऐप से सेम साइज सेम लेंथ का वीडियो कौन सा फ़ोन फास्ट एक्सपोर्ट कर पाता है। तो देख सकते हो सेम साइज़ का वीडियो क्रिएट हो चुका है दोनों भी फ़ोन में, और दोनों भी फ़ोन 4K तक वीडियो एडिटिंग सपोर्ट करते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो साइज़ देख सकते हो वीडियो का सेम बन चुका है। तो यहाँ पर रेंडरिंग स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा फ़ोन यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाता है। लगभग गाइज 35 सेकंड के बाद पोको F30 GT ने सबसे पहले वीडियो को फिनिश किया, और उसके लगभग 55 सेकंड के बाद रियलमी X7 मैक्स ने वीडियो को फिनिश किया। तो यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग में क्लियरली विनर है पोको F30 GT। दोनों भी फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। कर लेते हैं ऐप ओपनिंग। फ़ोन APK सबसे फास्ट रियलमी X7 मैक्स ने ओपन किया। मैसेज ऑलमोस्ट दोनों भी फ़ोन में सेम टाइम पे ओपन हो चुका है। सेटिंग, तो यहाँ पे रियलमी X7 मैक्स फास्ट था। उसके बाद गैलरी ऐप, तो यहाँ पे पोको F30 GT फास्ट था। ओके, उसके बाद कैमरा ऐप, और ऑलमोस्ट दोनों भी फ़ोन ने सेम टाइम पे ही ओपन किया है। तो सिस्टम बेस्ड ऐप दोनों भी फ़ोन सेम टाइम पे ही मैक्सिमम ओपन करते हैं, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो हमें पता चल जाएगा इंटरनेट बेस्ड ऐप पे। फेसबुक, ओ दोनों भी फ़ोन ने सेम टाइम पे ही ओपन किया है। इंस्टाग्राम फिर से सेम, भाई लिटरली मतलब इतना सेम। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि कभी मैं मतलब फ़ोन सेलिंग के ऐड वगैरह इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, आपको लेने हैं तो कर सकते हैं फॉलो। और वही सेम ट्विटर भी दोनों फ़ोन ने सेम टाइम पे ओपन किया है, और ट्विटर में भी फॉलो कर लेना। जैसे कि अभी करंटली मैंने MI 11X सेल पे डाल चुका हूँ, आपको लेना है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये इंफॉर्मेशन आपको ट्विटर पे ही मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लिपकार्ट दोनों फ़ोन ने सेम टाइम पे ही ओपन किया है, इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो रैम मैनेजमेंट टेस्ट के लिए मैं एक पेज ओपन करके रख देता हूँ। अमेजोन फिर से सेम, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं। ओके, क्रोम विथ वेबसाइट,
और यहाँ पे पोको F3 GT ने फास्ट ओपन किया। प्ले स्टोर ऑलमोस्ट दोनों भी फ़ोन में सेम टाइम पे ही ओपन हो चुका है। यूट्यूब फिर से सेम भाई, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। और अभी तक गाइज आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऑनेस्ट कंटेंट आपको चैनल के ऊपर मिलती रहती है। सो यार जरूर सब्सक्राइब कर देना। अमेजोन प्राइम देखा, दोनों ही फ़ोन ने सेम टाइम पे ओपन किया है। नेटफ्लिक्स का एरर था लॉगिन का, इसलिए मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। गेम्स सबवे सर्फर देखते हैं यहाँ से कौन ओपन कर पाएगा गेम्स को फास्ट। वाओ, रियल मी X7 मैक्स ने से फास्ट ओपन किया। टेम्पल रन और यहाँ पे F3 GT ने फास्ट ओपन किया इसे। ओके, कॉल ऑफ ड्यूटी एनिमेशन के लैग हो रहे X7 मैक्स में और यहाँ पे F3 GT फास्ट था। ओके, उसके बाद S9 फिर से एनिमेशन स्लो हो चुका है रियलमी X7 मैक्स में। फिर से पोको F3 GT ने फास्ट ओपन किया। उसके बाद मेन गेम BGMI देख सकते हो, वाइट एनिमेशन आता है X7 मैक्स में। तो यार पोको लिटरली फास्ट था यहाँ पे भी, इसने फास्ट BGMI को ओपन किया। मैं फिर से एक बार आपको BGMI को फिर से एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो X7 मैक्स को ज़्यादा टाइम लग गया है BGMI को ओपन करने में। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार BGMI को फिर से ओपन करता हूँ। रिसेंट से ऑलरेडी मैंने हटा दिया है और फिर से भाई, फिर से पोको F3 GT ने फास्ट ओपन किया इसे लिटरली। यहाँ पे यार इंटरनेट बेस प्लस गेम पोको F3 GT फास्ट ओपन करता है, तो यहाँ पे रियलमी X7 मैक्स थोड़ा सा पीछे रह रहा है, क्योंकि आपको बोला था कि रीड राइट स्पीड में राइट का स्पीड थोड़ा कम आता है। मे बी उसका कुछ तो असर होता होगा रियलमी X7 मैक्स में। बात करें रैम मैनेजमेंट की, फेसबुक दोनों भी फ़ोन के मेमोरी में है, इंस्टाग्राम भी दोनों भी फ़ोन के मेमोरी में है, उसके बाद ट्विटर दोनों भी फ़ोन के मेमोरी में है, फ्लिपकार्ट दोनों भी फ़ोन के मेमोरी में है, अमेजोन दोनों भी फ़ोन भूल चुके हैं, क्रोम वेबसाइट, तो यहाँ पे रियलमी X7 मैक्स भूल चुका है। प्ले स्टोर दोनों भी फ़ोन के मेमोरी में है, यूट्यूब दोनों भी फ़ोन भूल चुके हैं, अमेजोन प्राइम दोनों भी फ़ोन भूल चुके हैं, गेम सबवे सर्फर दोनों भी फ़ोन भूल चुके हैं, टेम्पल रन अभी भी है मेमोरी में F3 GT के बट भूल चुका है X7 मैक्स, कॉल ऑफ ड्यूटी अभी भी है मेमोरी में F3 GT के बट भूल चुका है X7 मैक्स, S9 वाओ, तो यहाँ पे S9 अभी भी है मेमोरी में, कहाँ मेमोरी में है, दोनों भी फ़ोन भूल चुके हैं, और BGMI अभी भी है मेमोरी में बट भूल चुका है X7 मैक्स, पोको F3 GT के मेमोरी में था। तो यहाँ पे गाइस लिटरली बता रहा हूँ, पोको ने अपने रैम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा काम किया है। तो 14 में से 8 ऐप थे पोको F3 GT के मेमोरी में और X7 मैक्स के मेमोरी में कितने थे ये तो आपने देख लिया ही होगा। उसके बाद कर लेते हैं CPU थ्रोटलिंग और देख लेते हैं CPU थ्रोटलिंग किस में देखने में मिलता है और फ़ोन हीट होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे गाइस रूम का टेम्परेचर लगभग 27.5 मतलब 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और 6 मिनट से ज़्यादा CPU थ्रोटलिंग को हम रन कर रहे हैं। और बात करें यहाँ पे X7 मैक्स के टेम्परेचर की, तो 42.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा चुका है और यहाँ पे पोको F3 GT लगभग के भी 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, मतलब वो 42 और ये 41, तो 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग को स्टॉप कर लेता हूँ, 89% परफॉर्मेंस दे रहा है F3 GT तो 78% परफॉर्मेंस दे रहा है X7 मैक्स। बाकी एवरेज मैक्सिमम मिनिमम स्कोर आपको X7 मैक्स के बेटर देखने में मिलते हैं। बट गाइज यहाँ पे लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐप ओपनिंग का जो स्पीड है हेवी ऐप ओपनिंग का, वो बेटर आपको पोको F3 GT में देखने में मिलता है। और रैम मैनेजमेंट अभी भी पोको F3 GT का ही मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। रियलमी X7 मैक्स में आपको रैम एक्सपांशन का फीचर मिलता है, फिर भी रैम मैनेजमेंट बेकार है।
बाकी मैं बहुत सारे टेस्ट करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर इन दोनों फ़ोन के बीच में। आप भी कमेंट करके बताना कि आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। जय हिंद दोस्तों।